मित्रों, वैसे तो भगवान को कई रूपों में पूजा जाता है, लेकिन भगवान विष्णु का सत्य नारायण स्वरूप और उससे जुड़ी कथा ऐसी है जिसे हिंदू धर्म के मानने वालों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा माना जा सकता है, जिसे कभी कोई मनौती के रूप में तो कोई नियमित रूप से सुनता रहता है। लेकिन यदि आप भी इस सौभाग्य से वंचित हैं और इस कथा की महिमा को विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और घर बैठे बैठे ही मन की शांति पाएं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, स्कंद पुराण के रेवा खंड में संकलित ये व्रत कथा 5 अध्यायों में बटी है, जिसकी महिमा को स्वयं भगवान सत्य नारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को सुनाया था। तो चलिए अब मिलकर सुनते हैं भगवान सत्य नारायण की ये कथा। एक समय की बात है, नैषिरण्य तीर्थ में उपस्थित शौनकादि सहित हजारों ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिल सकती है? आखिर वो अपना उद्धार करें तो कैसे? तब सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा ही एक प्रश्न एक बार नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु से पूछा था। तब भगवान विष्णु जी ने जो कथा कही थी, आज मैं वही आपसे कहता हूँ। एक बार की बात है, काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था, जिसका पूरा समय भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर विचरण करने में व्यतीत हो जाता। एक बार उसकी दशा से व्यथित हो सत्यनारायण भगवान ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाने का निश्चय किया और पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर यूं क्यों घूमते रहते हो? तब ब्राह्मण कहने लगा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। यदि आप इस गरीबी से निकलने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। इस पर ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम भी उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी तरह के दुखों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताया और वहां से खुद अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया कि आज मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा, और फिर वो बाकी के कामों से निपट कर रोजाना की ही तरह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत के सारे विधि विधान निभाए। इस व्रत के कुछ दिनों बाद ही उसके सभी दुखों और कष्टों का निवारण होने लगा। देखते ही देखते वो एक संपन्न और अपार संपत्ति का मालिक बन गया। अब वो ब्राह्मण हर महीने की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करता। ये सुन सभी ऋषिगण बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र के अतिरिक्त और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम ये भी सुनना चाहते हैं। फिर सूत जी बोले, हे मुनिवर, चलिए मैं बताता हूं। एक बार फिर वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के इस व्रत को करने की तैयारियों में लगा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियां बाहर रख अंदर ब्राह्मण के घर में बढ़ गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते देख नमस्कार करके पूछने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा? कृपा कर मुझे भी बताएं। ब्राह्मण बोला, ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इनकी कृपा से ही आज मेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में ये सब जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत व प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो अपने घर चला गया। और घर पहुंचकर उसने संकल्प लिया कि आज मैं लकड़ी बेचकर जितना भी धन कमाऊंगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लिए सिर पर लकड़ियां रख नगर में बेचने गया, जहां उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा लकड़हारा
बड़ी ही प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्री लेकर घर पहुंचा, जहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र सभी से युक्त हो संसार के सभी सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। फिर सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वो एक सत्यवक्ता और जितेंद्रिय व्यक्ति था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाया करता और गरीबों को दान देता। उसकी अर्धांगिनी भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी और भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया, जिसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वो विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, इसीलिए मुझे भी बताएं। फिर राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताएं। मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी संतान नहीं है और आशा करता हूँ कि इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत की सारी विधि सुनकर और व्यापार से निवृत्त होने के बाद वो अपने घर चला गया। साधु ने अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी मैं तभी इस व्रत को करूंगा। और फिर एक दिन लीलावती सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और फिर 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उन दोनों ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। फिर कुछ दिन बीते तो लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण भगवान के व्रत के किए हुए संकल्प की याद दिलाई और कहा, अब आपके किए हुए संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है, आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए। साधु उसे टालते हुए बोला, मैं इस व्रत को कलावती के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो पुणे नगर चला गया। समय बीतता गया और एक दिन अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलता देख साधु को लगा कि अब उसकी कन्या भी विवाह के योग्य हो गई है, जिसके बाद वो कलावती के लिए एक योग्य वर ढूंढने लगा। थोड़े ही समय में अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वानिक पुत्र को ढूंढने के बाद बड़ी ही धूमधाम से उसने उसका विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान भी क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे डाला। अब साधु अपने जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में जाकर रहने लगा। वहीं दोनों दामाद और ससुर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करते और धन इकट्ठा करते। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को पीछा करते देख चुराया हुआ सारा धन वहीं रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरता था। राजा के सिपाहियों को राजा का चुराया हुआ धन साधु के पास मिला। फिर क्या था, सिपाही ससुर और जमाई दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और उसके समक्ष प्रस्तुत किया। हे राजन, हमने उन दोनों चोरों को पकड़ लिया है। फिर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन उनसे छीन लिया गया। वहीं दूसरी तरफ श्री सत्यनारायण भगवान के इस श्राप का प्रभाव साधु की पत्नी पर भी पड़ने लगा और वो दुखी रहने लगी, क्योंकि घर में जो भी धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा के साथ साथ भूख प्यास से दुखी होकर कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई, जहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और कथा सुनने के बाद उसने प्रसाद भी ग्रहण किया। फिर वो जब वापस घर लौटी तो उसकी माँ उससे पूछने लगी, पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? कलावती ने माँ को उत्तर दिया, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है, वो मन को शांति देने वाला था। कन्या के वचन सुन
लीलावती भी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान ने सत्यनारायण से ये वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही ये प्रार्थना की कि हे भगवान, हम सबके किए अपराधों को क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा, हे राजन, तुम उन दोनों बांधवों को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। और राजा को ये सब कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सभी को सुनाया और फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त करके ससम्मान सभा में लाया जाए। दोनों के आते ही उन्होंने राजा को प्रणाम किया और राजा भी उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे महानुभवो, मुझसे गलती हो गई और अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दोगुना वापस कर दिया और उनको उनके घर के लिए रवाना कर दिया। सूजी आगे बताते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपने नगर की ओर की यात्रा प्रारंभ कर दी। वो नाव से थोड़ी दूर ही आगे पहुँचे थे कि दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? साधु हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहीं धन लेने की इच्छा तो नहीं? मेरी नाव में तो बस बेल और पत्ते ही भरे हुए हैं। वैश्य के ये कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसे वचन कहकर दंडी वहां से दूर चला गया और कुछ दूर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने के बाद साधु ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को थोड़ा ऊंची उठते देखा और फिर अचंबा जानकर पास जाकर अंदर देखा तो वो पाता है कि नाव में पड़ा सारा धन बेल पत्तों में बदल गया है। ये देख वो मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो वो शोक में व्याकुल हो गया। फिर उसके दामाद ने कहा, पिताश्री, आप शोक न मनाए, ये उसी दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वो दोनों दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगे, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। और ये कह साधु जोर जोर से रोने लगा। फिर दंडी रूपी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी ही आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु अब समझ गया कि ये दंडी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान सत्य नारायण है। फिर वो बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं तो एक अज्ञानी मनुष्य हूँ। आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि अब मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अर्चना और पूरे विधि विधान से व्रत पालन करूंगा। मेरी रक्षा करें और पहले के समान ही मेरी नौका में धन भर दें। साधु के भक्ति पूर्वक वचनों को सुनकर भगवान भी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। फिर जब दोनों ससुर जमाई अपनी नाव के पास पहुंचे तो वो पहले की ही तरह धन से भरी हुई थी। ये देखकर साधु वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को निकल गया। जब वो नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत ने साधु की पत्नी को प्रणाम किया और बोला, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती हर्षोल्लास के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहती है कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू काम पूरा करके शीघ्र आ जाना। माँ के इन वचनों को सुन कलावती ने काम तो खत्म कर दिया लेकिन जल्दबाजी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति के स्वागत को निकल गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। अपने पति को वहां ना पाकर वो रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता देख साधु भी दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और फिर आकाशवाणी हुई,
हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति मिल जाएगा। आकाशवाणी के अनुसार कलावती ने ठीक वैसा ही किया और तत्पश्चात जब वो प्रसाद ग्रहण कर वापिस आई तो अपने पति को वहीं पाया और फिर वो अत्यंत प्रसन्न हो उठी, जिसके बाद से साधु और साधु का पूरा परिवार नियमित रूप से अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करने लगा और इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। सूत जी फिर बोले, हे ऋषियों, मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुने। प्रजा पालन में ली तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ करता था, जो भी इसी प्रकार भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख का भागीदार बना। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे बैठा था। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर जाना जरूरी नहीं समझा, यहाँ तक कि उसने भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने वो प्रसाद खाने से इनकार कर दिया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वो नगर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वो अचंभित रह गया, क्योंकि वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वो समझ गया कि ये सब भगवान के किए अनादर का ही परिणाम है। तत्पश्चात वो वहीं ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया और तब जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अर्थात मनुष्य द्वारा इस दुर्लभ व्रत को करने से निर्धन धनी हो जाता है और जीवन भयमुक्त संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सभी मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। फिर सूत जी आगे कहते हैं, अब मुनिवर जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उनके दूसरे जन्म के बारे में भी आपको बताता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की और लकड़हारे ने अगले जन्म में निषादराज बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ गया और साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो मोक्ष पाया। और इस कथा की समाप्ति के बाद अंत में वहां मौजूद सभी ऋषिगणों ने श्रीहरि को झुककर प्रणाम किया। तो मित्रों, ये थी श्री सूत जी के शब्दों में भगवान सत्य नारायण की कथा। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।